दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा हिंदी में। और आज हम बात करेंगे महायोगराज गुगुल के बारे में। इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं महायोगराज गुगुल, जो आयुर्वेद की क्लासिकल दवाई है, यानी सभी कंपनियां इसको बनाती हैं। और महायोगराज गुगुल जो है ये गठिया, बाय और मांसपेशियों के दर्द को दूर करने वाली, इसके अलावा गुगुल कैटेगरी की दवाई होती है। और ये आर्थराइटिस, इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी इन्फ्लेमेशन को दूर करने वाली, एंटी रूमेटिक गुणों से भरपूर होती है। और इसे वात रोगों के लिए बेजोड़ औषधि माना गया है। वात रोगों में आम वात, पक्षाघात, संधिवात, जकड़न, सूजन जैसी परेशानी जो इस कैटेगरी में आती है, तो उसकी एक बेजोड़ और बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। इसके अंदर अजमोद इस्तेमाल किया गया है, गुगुल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसका जुजे खास या मेन कंटेंट कह सकते हैं, पाठा, पीपली, अदरक इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा विडंग, कुटकी और चव्वे और कुछ भस्म हैं जैसे अबरक भस्म, रजत भस्म, रोप्य भस्म। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर त्रिफला का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेजोड़ चीज़ है। और इसके अलावा वच, भारंगी, इंद्रजो, अजवाइन और चित्रक मूल, जीरा काला और जीरा सफ़ेद और अतीस के मिश्रण से। इसके अलावा भी एक दो जड़ी बूटियाँ हो रहे हैं जिनसे इसे तैयार किया गया है, जो कि इसे बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाती है। अच्छा, मार्केट में मैं बताना चाहूँगा, प्लेन जो है गुगुल भी आता है, योगराज गुगुल के नाम से मिलता है, लेकिन उसके अंदर जो है चीज़ें कम होती हैं, जो है नुस्खा कंपोजिशन का छोटा होता है, तो इस तरह की इतनी चीज़ें उसमें इस्तेमाल नहीं होती, तो वो थोड़ा सस्ता भी होता है, वो इससे काफ़ी सस्ता होता है और वो इसके मुकाबले कम असरदार होता है। बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में। ये था इसका इंग्रेडिएंट, यानी किन किन जड़ी बूटियों से और भस्मों से इसे तैयार किया गया है। तो ये है दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, तो वात रोगों की एक बेहतरीन दवाई है, वात रोगों की एक बेजोड़ औषधि इसे माना गया है। और ये हड्डियों में दर्द होना, सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द में बहुत ही फायदेमंद इसको माना गया है। इसके अलावा ये वात रक्त और इसके अलावा आम वात या पक्षाघात कह सकते हैं, संधिवात, जकड़न को दूर करने वाली, सूजन जैसी परेशानियाँ, ख़ासतौर से जब जॉइंटों में पेन होता है, दर्द की समस्या हो तो सूजन आ जाती है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, तो उसको भी ये दूर करती है। इसके अलावा खांसी में भी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, खांसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और खांसी के साथ साथ श्वास रोग है, सांस की परेशानी है, तो उसमें भी दूसरी सहायक दवाइयों के साथ में इसको इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा हिस्टीरिया यानी दौरे पड़ने की समस्या जिन मरीजों में, तो उसे उसमें चला जाता है, लेकिन जो दौरे पड़ने की जो मेन दवाई उसके साथ में लगाकर इसको चला जाता है, तो अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिल जाते हैं। तो वात रोगों में, तो गठिया में तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट जो देखने को मिलता है। आर्थराइटिस जैसी परेशानी है, इसके अलावा कमर का दर्द है, जिन मरीजों में बार बार कमर का दर्द होता है, लगातार रहता है, तो उनमें अच्छा काम है। कंधा का दर्द है, कंधे में दर्द है, या कहीं पर चोट लगी है पहले कभी और वो दर्द नहीं जा रहा, अब काफ़ी पुराना दर्द होगा, तो इस तरह की परेशानियों में भी ये बेजोड़ काम करता है। और इसके अलावा इसके में जो है स्किन की कई तरह की परेशानियाँ, स्किन की डिजीज है, तो उसमें भी इसका अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलता है। साइटिका की जो परेशानी है, तो उसमें भी बहुत अच्छा ये काम करता है। तो जोड़ों के दर्द के लिए और वात रक्त के लिए इसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका मेन काम है वह जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन और सूजन, इन्फ्लेमेशन जैसी परेशानी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ इसके अगर नॉर्मली जो काम है, जैसे मंदाग्नि, पाचन संबंधी विकार, पांडु रोग, कफ, बलगम जमा होना, चोट के कारण सूजन और स्किन की परेशानियों में इसे फ़ायदेमंद माना गया है, जैसे मैंने बताया। और मोच आ गई है, तो अब वो मोच ठीक नहीं हो रही है, तो उसमें दर्द वगैरह है, तो उसमें भी इसे चला जाता है। और इम्यून सिस्टम को भी मजबूती देती है, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं, और बात कर लेते हैं इसको लेने के तरीके के बारे में, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल की बात करता हूँ तो एक से दो गोली सुबह व शाम, इसको ताजे पानी से तो नॉर्मल आप ले सकते हैं, लेकिन बीमारियों के हिसाब से अलग अलग जो तरीके से वैद्य हकीम लोग अपने तजर्बे के आधार पर इसको इस्तेमाल कराते हैं। जैसे सुबह शाम इसको लेना चाहिए, लेकिन गिलो के काढ़े के साथ में इसको ले आता है। इसके अलावा अगर दर्द की ज़्यादा परेशानी है, तो रासनादी काढ़े के, रासनादी क्वाथ के साथ में ले आता है। इसके अलावा त्रिफला का क्वाथ आता है, तो उसके साथ में भी इसे लिया जाता है, अगर और कहीं दूसरी परेशानियाँ हैं, स्किन की परेशानी। इसके अलावा पुनर्नवा क्वाथ आता है, तो उसके साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं, चीज़ें हैं जिनमें इसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये 40 टेबलेट का पैक है मेरे पास में फिलहाल बैद्यनाथ का, हालांकि सभी इसको आयुर्वेद की कंपनियां बनाती है, तो 223 रुपये इसका रेट है फिलहाल में, और समय के अनुसार कम या ज़्यादा ये हो सकता है। और इसके अलावा भी अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अपने डॉक्टर या किसी वैद्य हकीम से सलाह लें, तभी इसका इस्तेमाल करें। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा महायोगराज गुगुल के बारे में। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।